The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. All right, so we are talking about diabetes. प्री-डायबिटीज़, हमने डायबिटीज़ के बारे में बहुत विस्तार से देखा है, डायबिटीज़ के कंट्रोल, उसके कारण, उसके डाइट, उसकी ट्रीटमेंट, सब के ऊपर वीडियो ऑलरेडी हमारे हैं. सो अब बात है प्री-डायबिटीज़. जी हाँ, डायबिटीज़ से पहले होने वाली कंडीशन, क्या आपको प्री-डायबिटीज़ है? प्री-डायबिटीज़ मतलब क्या होता है, उसको प्रिवेंट कैसे करना है, उसको ठीक कैसे करना है, उसको डायबिटीज में तब्दील होने से रोकना कैसे है, इस पे बातचीत होगी आज. सो प्री डायबिटीज क्या है? प्री डायबिटीज का बेसिकली मतलब है कि आपके अंदर ब्लड शुगर लेवल इज लिटिल हाई, थोड़ी सी हाई है, मगर इतनी हाई नहीं है कि उसको डायबिटीज बोला जाए. सो इट इज हाई बट नॉट हाई इनफ टू बी कंसिडर्ड एज डायबिटीज. सो इफ यू हैव प्री डायबिटीज, सो आपके डायबिटीज डेवलपमेंट का चांसेस के रिस्क बहुत बढ़ जाते हैं इन द नेक्स्ट 10 years. सो 10 साल में आपको डायबिटीज हो जाएगा अगर आप अभी से नहीं संभल गए, अभी से कुछ किया नहीं तो. और इसमें जो दूसरी एक और एडिशनल रिस्क है वो है हार्ट डिजीज का. प्री डायबिटीज से भी हार्ट डिजीज का रिस्क होता है जनाब, नॉट जस्ट डायबिटीज, प्री डायबिटीज से हार्ट डिजीज का रिस्क, डायबिटीज का रिस्क. और सबसे बड़ा एक काम अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बताएं तो वजन कम करना, लूजिंग द एक्सेस वेट एंड रेगुलर एक्सरसाइज आपका प्री डायबिटीज को डायबिटीज बनने से रोक सकते. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट ये हुआ क्यों? व्हाट द हेल इज दिस? प्री डायबिटीज है क्या? सी, आपकी बॉडी को ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है, वो ग्लूकोज आपके खून में जाता है और बॉडी के सेल्स उसको यूज कर पाते हैं बिकॉज ऑफ अ हॉर्मोन जिसको कहते हैं इंसुलिन. इंसुलिन आपकी बॉडी के ग्लूकोज को सेल्स के अंदर ट्रांसफर करता है, इट्स लाइक अ की. और जिनको प्री डायबिटीज है वो ये इंसुलिन इतने अच्छी तरह से काम नहीं करता, स्टार्टिंग में खराब होने लगा है. सो ग्लूकोज बिल्डअप होने लगता है आपके बॉडी के अंदर. और अगर आपका एक लेवल तक बिल्डअप हो गया कि भाई नहीं हो रहा, मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, तो मतलब फिर डायबिटीज का खतरा हो जाएगा. और डायबिटीज का मतलब आपको बहुत सारी बीमारियां, हेल्थ रिस्क डायबिटीज में, वेस्कुलोपैथी, न्यूरोपैथी, कार्डियोपैथ, कार्डियोमायोपैथी, मतलब खून की नसें, दिमाग, आंख, इलेक्ट्रिकल नसें, क्या नहीं खराब होता डायबिटीज, डायबिटिक फूड डायबिटीज, किडनी का प्रॉब्लम, नेफ्रोपैथी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो क्योंकि हाई ब्लड शुगर आपके खून की नसें, आपकी नर्व्स, हार्ट, किडनी, स्ट्रोक, दिमाग, सबको डैमेज करता है. जहां जहां खून ज्यादा जाएगा, चाशनी बना बना के ऐसी तैसी कर देगा खून की. नहीं, जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा एग्जैक्टली नहीं होता कि चाशनी बन जाए, बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड. प्री डायबिटीज इज बेसिकली अ वेकअप कॉल. भाई जागो, जागो ग्राहक, जागो और चुपचाप घर से निकल के भागो. आपको दौड़ना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज के, टेक अ स्टेप टू इंप्रूव योर हेल्थ, दैट्स द आइडिया, राइट? सो भागना जरूरी है, सम पीपल टेक इट लिटरली. ओके, सो हाउ टू प्रिवेंट प्री डायबिटीज, राइट? ऑब्वियसली आपके डॉक्टर्स, आपके हेल्थ कंडीशन, आपकी, अब किसी के घुटने खराब है, किसी की मोटापा है, किसी की उम्र ज़्यादा है, किसी की उम्र कम है, सो अकॉर्डिंग टू योर एज, योर एस्पेक्ट्स आपको प्लान देना चाहिए. बट देन द बेसिक्स डोंट चेंज. बेसिक क्या है? हेल्दी फूड, ईटिंग हेल्दी फूड, राइट? जैसे कि आपने होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन्स, लो फैट डेयरी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दबा के खाना, पांच चीजें हम हमेशा बोलते रहते हैं, राइट? और पोर्शन साइज पे कंट्रोल करना है. ये नहीं कि ये चीजें, पांच चीजें खा रहे हैं तो उसमें से एक चीज ये ती ती ती, दूसरी चीज ये ती, सॉरी. पोर्शन सबका अच्छा होना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स का और सब प्रोटीन का. पोर्शन साइज कंट्रोल करना है आपको, और स्वीट्स और फ्राइड फूड का पोर्शन चिंगम चिंग किंचुम किंचुम सबसे छोटा होना चाहिए. द सेकेंड बेसिक इज टू लूज वेट, राइट? जस्ट इवन स्लाइट लॉस ऑफ वेट कैन एक्चुअली मेक अ बिग डिफरेंस. थोड़ा सा भी वजन आपने कम किया तो आपके प्री डायबिटीज, आपके हेल्थ, आपके ऊपर काफी सारा
इफेक्ट पड़ता है। 7% का भी अगर मान लो वेट लूज करते हैं आप, तो अगर मान लो 90 kg के हैं आप, थोड़ा सा भी वजन 3.5-7 kg भी अगर आपने वजन कम किया, तो आपके कई सारे बीमारियों के रिस्क आधे से भी कम हो जाते हैं। जी हाँ, दैट्स ट्रू। सो थोड़ा बहुत वेट का वजन कम करना भी अच्छी चीज़ है। सो वेट लूज कर, ये नहीं कि 25 न्यू आते हो यार कोई जिंदगी खराब है, नथिंग लाइक दैट। ओके, सो देन यू नीड टू एक्सरसाइज, यू नीड टू रन और डू समथिंग वट एवर यू कैन, जो भी आपकी फिजिकल क्षमता अलाउ करती है। 30-60 minutes के लिए मॉडरेट एक्सरसाइज करनी है, एटलीस्ट 5 days a week, दैट इज रिकमेंडेड, और 2.5 घंटे टोटल हफ्ते में होना चाहिए जैसा हमने बताया। और इसको वॉक, स्विमिंग, साइकिलिंग, जितना आप डाइवर्स करेंगे उतना बेहतर है। एक्सरसाइज को आप छोटे छोटे शॉर्ट ड्यूरेशंस में भी डिवाइड कर देना कि 20 मिनट नहीं मिलते साहब मैं भी करना चाहता हूँ, 5-5 मिनट के 4 बार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? ऐसा कुछ नहीं है। सो टेक योर मेडिकेशंस ऑल्सो, दैट इफ यू आर टेकिंग सम, कोई भी दवा ले रहे हो, कोई भी बीमारी है, तो पहले उसकी दवा, चाहे बीपी की, चाहे कोलेस्ट्रॉल की, तो इसकी दवा सही वक्त पे सही टाइम से लेने से भी डायबिटीज प्रिवेंट होगा, राइट? सो प्री डायबिटीज प्रिवेंट करने की बात बता दी, लेकिन होगा किसको, किसको होता है? ऐसा नहीं है कि सबको होगा, जो ज्यादा मीठा खाएगा उसका होगा, नो, एक फैक्टर तो वो है, बट देन प्री डायबिटीज में ऑब्वियसली जिसको भी, जो ऑब्वियसली जो एज फैक्टर वन, नंबर वन एज, 45 ईयर्स के बाद आपको प्री डायबिटी या डायबिटीज के रिस्क शुरू हो जाते हैं, तो 45 के बाद ब्लड शुगर टेस्ट जरूर कराना है। ओवरवेट हैं, ओबेस हैं, तो अगर से रिस्क है आपके यहाँ, पहले कभी डायबिटीज हुआ था या डायबिटीज का फैमिली हिस्ट्री है तो आपको रिस्क है। इनएक्टिव लाइफ स्टाइल है, एक्सरसाइज नहीं करते तो रिस्क है। और कुछ मान लो हाई ब्लड प्रेशर है, मोर देन 140/90, कोलेस्ट्रॉल हाई है, एलडीएल हाई है, ट्राइग्लिसराइड हाई है, हार्ट डिजीज है, राइट? कोई प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हुआ था, जेस्टेशनल डायबिटीज, या फिर आपके प्रेगनेंसी में बर्थ दिया बेबी, जो 4 किलो से ज़्यादा बेबी था, 4 किलो से ज़्यादा बेबी का वेट, तो भी डायबिटीज। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इम्बैलेंस हार्मोन, फीमेल हार्मोन्स में प्रॉब्लम है, उससे भी मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम, सिस्ट्स ओवरी में, और डायबिटीज भी हो जाता है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको प्री डायबिटीज के इस एस्पेक्ट को चेक करें और प्री डायबिटीज को रेगुलर टेस्ट कराएं। फॉलो अप टेस्ट रिक्वायर्ड है, जिसको भी प्री डायबिटीज बोला जाता है, माना जाता है, उस पर्सन के लिए, अगर आपको लगता है कि डायबिटीज नहीं है, अगर तो नॉर्मल है तो 3 साल में एक बार चेक करो, और अगर एब नॉर्मल है तो साल में एक बार आपको डायबिटीज, प्री डायबिटीज है नहीं है उसको चेक करना बहुत जरूरी है, राइट? सो दिस इज बेसिक अबाउट प्री डायबिटीज। अब बात आखिरी में सबसे बड़ी आई कि भाई प्री डायबिटीज बोलेंगे किसको, ब्लड शुगर लेवल हाई है कितना ब्लड शुगर हाई को हम डायबिटीज बोलेंगे और कितने ब्लड शुगर हाई को हम प्री डायबिटीज बोलेंगे। देखिए, इसके रिकमेंडेशंस चेंज होते रहते हैं। अभी तक HbA1c का टेस्ट जो है उसको और ब्लड शुगर लेवल्स को हम प्री डायबिटीज के हिसाब से लिया जाता है। बीच में अमेरिकन एसोसिएशन की रिकमेंडेशंस आई थी, बीच में अभी पहले ज़माने में ये था कि 5.6 के नीचे, 5.6 के ऊपर ही प्री डायबिटीज़ बोल दिया जाता था। अब जो है रिकमेंडेशन थोड़ी सी चेंज हो गई है और 6-6.5 तक भी प्री डायबिटीज़ या हम प्री डायबिटीज़ ही बोलेंगे, 6-6.5 के ऊपर है तो फिर हम प्री डायबिटीज़ बोलते हैं, हम उसको इस तरह से डायरेक्टली नहीं बोलते। और क्वाइट फ्रैंकली इसको एकदम से बढ़ा देना थोड़ा मुश्किल। मान लो एक प्री डायबिटीज़ में जब ब्लड शुगर लेवल की बात करेंगे ना, तो ब्लड शुगर आपका 100-125 के बीच में आएगा, 100-125 फास्टिंग ब्लड शुगर। अगर वो 125 के ऊपर है तो डायबिटीज, राइट? वो भी रेगुलरली ज्यादातर, मोर देन हाफ ऑफ द टाइम्स। नॉर्मल ब्लड शुगर शुड बी लेस देन 100, फास्टिंग ब्लड शुगर। HbA1c लाइक आई सेड 5.7 के नीचे नॉर्मल माना जाता था, प्री डायबिटीज को 5.7 से ऊपर या 6.4 तक माना जाता था, और डायबिटीज को 6.5 के ऊपर माना जाता था।
अब रिकमेंडेशंस थोड़ी सी चेंज हुई है, उस पे ये बोला जाता है कि अगर 6.5-6.5 तक भी आपका HbA1c है तो आप प्री डायबिटीज मान के डाइट कंट्रोल करें ना। डाइट ऑब्वियसली ट्रीटमेंट में फर्क पड़ता है, डायबिटीज है कि प्री डायबिटीज है, क्यों इतना मायने रखता है, क्योंकि एक डायबिटीज वाले पेशेंट को दवाई लेना चाहिए और प्री डायबिटीज वाले को डाइट एंड एक्सरसाइज काफी है। इसीलिए प्री डायबिटीज यानी 6.5-6.5 HbA1c है, सो गो फॉर हैवी डाइट एंड एक्सरसाइज। आधा किलो 1 किलो सलाद खाओ, अच्छी मात्रा में फ्रूट्स खाओ, जी हाँ, और लीन प्रोटीन खाओ, लीन मिल्क लीजिए, फैट फ्री मिल्क लो, प्रोटीन ज़्यादा खाओ। तो ऐसे करोगे सो यू विल गेट कंट्रोल ऑफ इट। आई हैव अ फुल वीडियो ऑन दैट डायबिटिक डाइट, गो एंड वॉच इट एंड लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, शेयर जरूर करना है, और कोई सवाल है तो जरूर लिखिए, वी आर हियर टू आंसर यू, राइट।